जी हाँ दोस्तों, बहुत महंगी है एसएस राजमौली की आरआरआर फिल्म। इस फिल्म पे 65 दिन तक रोज पानी की तरह बहाए गए 75 लाख रुपए। इन दिनों बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर काफी चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लोग लेकर काफी बस बना हुआ है और ये फिल्म 7 जनवरी को रिलीज भी होने वाली थी, लेकिन एन वक्त पर इस पर कोरोना की मार पड़ गई। ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए आरआरआर की रिलीज डेट फिलहाल के लिए अनिश्चित काल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन फिल्म से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिससे फिल्म को देखने का मन और ज्यादा कर रहा है। हाल ही में द क्विंट को दिए इंटरव्यू में फिल्म डायरेक्टर एसएस राजमौली ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म का इंटरवल सीक्वेंस 65 दिन में शूट किया और सीक्वल के हर एक दिन उन्होंने इस पर 75 लाख रुपए का खर्चा किया है, इसलिए इस फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। डायरेक्टर ने बताया कि सैकड़ों एक्टर अलग अलग देशों से इस फिल्म के लिए शूट करवाने आए थे, ऐसे में अगर कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ भी होती तो उनकी काफी गुस्सा आ जाता था और वो चिड़चिड़ा जाते थे, क्योंकि जाहिर है फिल्म में इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे और हर एक मिनट कीमती था। हालांकि बाकी समय में राजमौली काफी शांत रहते हैं। फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण जैसे साथ के दो बड़े दिग्गज इस फिल्म में एक साथ आ रहे हैं, इसलिए भी एक्साइटमेंट और है। इसके अलावा अजय देवगन और आलिया भट्ट इस फिल्म में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में रिलीज किया जाएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।